वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना साथियों, आज सुपर संडे था इसीलिए आज दो मैच हुए। दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ, उसी का आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करें। गाइस, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने दिल्ली के लिए तेज शुरुआत की थी। दिल्ली कैपिटल्स ने तेज और मजबूत शुरुआत करते हुए पहले पावर प्ले में 50 रन पूरे कर लिए थे। सनराइजर्स को अभी भी पहले विकेट की तलाश थी। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 51-0 था। पृथ्वी शॉ 39 रन पर खेल रहे थे, शिखर धवन 11 रन पर खेल रहे थे। गाइस, पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान शॉ ने 7 चौके और 1 छक्का लगाया। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 80-0 था, फिर लगा दिल्ली को झटका। 10 ओवर के बाद धवन हुए आउट। राशिद खान ने एक बार फिर से सनराइजर्स को पहली सफलता दिलाई थी। उन्होंने अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर दिल्ली की साझेदारी तोड़ी और धवन को पवेलियन की राह दिखाई। धवन ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए। फिर दिल्ली की गाड़ी डगमगाने लगी थी दोस्तों। पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत के बीच आपसी तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी हुई और 100 रन आउट होकर पवेलियन लौटे। 139 गेंदों में 53 रन की पारी खेलकर आउट हुए। 12 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 86-2 था। ऋषभ पंत खेल रहे थे 2 रन बनाकर, स्टीव स्मिथ 1 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर पंत थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ कौल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक सफल ओवर किया। उन्होंने धीरे धीरे करके 19वें ओवर में 2 बड़े विकेट हासिल किए। ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत तो आखिर गेंद पर शिमरॉन हेटमेयर को पवेलियन भेजा। इसी बीच स्टीव स्मिथ बढ़िया खेले थे दोस्तों। उन्होंने 25 गेंदों में 35 रन बनाए और नॉट आउट रहे। मार्कस उनका साथ दे रहे थे। मार्कस 2 में 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ओवर खत्म हो चुके थे। हैदराबाद की तरफ से कॉल ने 2 विकेट लिए और हैदराबाद को मिला टारगेट 159 रन का। फिर शुरुआत हुई हैदराबाद की पारी की। साथियों, सनराइजर्स की तरफ से डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो की स्टार सलामी जोड़ी क्रीज पर थी, जबकि रबाडा ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। अश्विन ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद बेयरस्टो को डाली, जिस पर कैच की अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दिया। हालांकि बेयरस्टो ने तुरंत ही रिव्यू लिया और अंपायर को अपना फैसला पलटना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा झटका हैदराबाद को। सनराइजर्स का पहला विकेट डेविड वार्नर के रूप में गिरा। वार्नर 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हुए। अश्विन की गेंद पर बेयरस्टो ने कवर की तरफ शॉट खेला और 1 रन के लिए भागे, लेकिन फील्डिंग पर मौजूद रबाडा ने फुर्ती से गेंद को पकड़ा और सीधे पंत के हाथों में भेजा और पंत ने बिना देर किए वार्नर को रन आउट कर दिया। फिर आए केन विलियमसन और आते ही चौका ठोका, लेकिन थोड़ी ही देर में जॉनी बेयरस्टो ने आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्हें आवेश खान ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर धवन के हाथों कैच आउट कराया। बेयरस्टो ने आउट होने से पहले 18 गेंदों में 38 रन बनाए। सनराइजर्स ने पहले पावर प्ले में तेजी से रन बटोरते हुए 50 रन पूरे कर लिए थे। फिर आए विराट सिंह, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं टिके। विराट सिंह एक धीमी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। वह लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें आवेश खान ने अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करवाया। विराट 14 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए केदार जाधव, वो टिककर खेलने की कोशिश करने में तो लगे थे, लेकिन ऋषभ पंत ने उनका सपना तोड़ दिया। आगे बढ़कर मारने की कोशिश में पंत ने पीछे से विकेट चटका दिया। वो 9 में 9 रन बनाकर गए। 14 ओवर के बाद स्कोर 107-4 था। क्रीज पर अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन थे। दोनों खिलाड़ी जल्दी से जल्दी रन बनाने में लगे थे, लेकिन एक और झटका लगा। अभिषेक शर्मा LBW आउट हुए। वो 6 में 5 रन बनाकर गए। अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया और साथियों फिर गजब हो गया। क्या हुआ, उनके बाद राशिद खान आए और वो भी 0 पर आउट हुए। अक्षर की गेंद पर वो भी LBW आउट हुए। फिर आए शंकर यानी विजय शंकर। ओवर 16 चल रहा था, स्कोर 120-6 था। दिल्ली की बॉलिंग बढ़िया थी, नो डाउट। केन विलियमसन बढ़िया खेल रहे थे, उनसे ही उम्मीदें थीं, लेकिन आवेश खान ने 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर विजय शंकर को बोल्ड कर दिया। अब मैच रोमांचक हो गया था। 9 गेंदों में 24 रन चाहिए थे हैदराबाद को। फिर आए सूचित आए और पहली गेंद पर चौका ठोका। केन उनका साथ दे रहे थे और गाइस देखते ही देखते लास्ट ओवर में मैच टाई हो गया। फिर मिला दोनों टीमों को एक एक सुपर ओवर। हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर और विलियमसन खेले और सुपर ओवर में 7 रन बनाए। अक्षर पटेल ने बॉलिंग की थी। दिल्ली की तरफ से धवन और पंत आए। राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे और आखिरकार साथियों दिल्ली कैपिटल सुपर ओवर जीत गई और एट द एंड दिल्ली जीत गई। बहुत ही रोमांचक मैच था। तो साथियों ये बहुत ही उलझा हुआ मैच था और काफ़ी उलझ चुका था मैच, और आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को
अपने पाले में ले गई और शानदार जीत हुई। तो साथियों, इस मैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।